यूपीएससी द्वारा झांसी में चयनित 110 लेखपालों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाकर नौ नियुक्त लेखपालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपालों के कई पद खाली थे, नौ नियुक्तियां होने के बाद से अब पैमाइश और आख्या के कार्यों में तेजी आएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में नौ नियुक्त 110 लेखपालों को उनका नियुक्ति पत्र मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और गरौठा विधायक जवाहरलाल रहाउत की उपस्थिति में सौंपा गया, जिसमें 15 झांसी, 24 गरौठा, 22 मूठ, 28 मौरानीपुर, 21 तहरौली तहसील को मिले। मंडल आयुक्त सहित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नौ चयनित लेखपालों को बधाई दी। नियुक्ति पत्र देते समय कहा कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों दायित्व का पालन करेंगे। जनमानस की सेवा में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। नियुक्ति पाने वाले चयनित ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, वह उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई। इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री उपस्थित रही। अच्छा, हाँ, इसमें बहुत योगदान दिया है योगी सरकार ने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमारी भर्ती को पूरी करवाया है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ साथ में माननीय न्यायालय का, जिन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमको नियुक्ति प्रदान करने की जो प्रक्रिया बाधित थी उस पर रोक जो थी उसको हटाकर हम लोग मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश में 7,720 लेखपालों को, नवनिर्वाचित लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उसी क्रम में जनपद झांसी में माननीय जनप्रतिनिधि गणों द्वारा 110 नवनिर्वाचित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और इन नियुक्तियों के कारण जो समस्याएं हम लोगों की फील्ड पे जो चैलेंजेस आते थे कि जैसे लेखपालों के ऊपर अतिरिक्त कार्य रहता था, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो थोड़ा लेखपाल के सर्कल्स एम्प्टी थे वो भर जाएंगे, तो जो काम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता था जैसे पैमाइश हो गई और आख्याएँ हो गई, वो अब समय अंतर्गत लग जाए। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।